तो शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक चल रही है। इस बैठक का मेन एजेंडा क्या है ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और वो भी तब जब मंत्रिमंडल के लोगों से चर्चा होनी है। उसके पहले आप देखिए सियासी हलचल इसलिए तेज है क्योंकि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य रणनीतिकार और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दोनों के ही बीच मुलाकात का सिलसिला बैठक चल रही है और इस बैठक का मुख्य एजेंडा मुख्य मकसद भी जानेंगे। उससे पहले 11:30 बजे क्योंकि तमाम ऐसे नेताओं की बातचीत और मुलाकात होनी है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उसके पहले की ये बैठक बेहद अहम है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। संदीप, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और वो भी तब जब 11:30 बजे चाय पर चर्चा होनी है। हालांकि अभी संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, संदीप से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है और बैठकों का सिलसिला यहां दिखाई दे रहा है। अमित शाह जेपी नड्डा के बीच मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। आज शाम पीएम मोदी का राष्ट्रीय तिलक होना है मगर उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज है। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। सुबह के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर, बापू और अटल जी को उन्होंने नमन किया। अटल जी को नमन करने के साथ ही संभावित मंत्रियों को फोन किए गए हैं, उनके पास फोन आने शुरू हो गए क्योंकि मुलाकात के लिए बुलाया गया है, चाय पर चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चाय पर मुलाकात होनी है। पहले ही जेपी नड्डा शाम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। जैसा कि सभी को मालूम है कि शाम को शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद नड्डा के आवास पर डिनर भी होगा। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो अभी सुबह से लेके हलचल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से अब तक की हलचल 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। देखिए 7 बजे शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले विदेशी मेहमानों के भी आने का सिलसिला दिखाई दे रहा है। शाह के आवास पर नड्डा की मुलाकात, नड्डा और अमित शाह के बीच मुलाकात चल रही है। हालांकि शाम के वक्त में डिनर भी जेपी नड्डा के आवास पर होना है। तो मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है और इस बीच 11:30 बजे चाय पर चर्चा होनी है, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक बेहद अहम हो जाती है। 11:30 बजे के पहले जो ये मीटिंग चल रही है वो 11:30 बजे कितना अपना प्रभाव डालेगी इसके बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है। तो जेपी नड्डा को भी फोन आया है, मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे पहले जैसे ही, और राजनाथ सिंह को भी कॉल जा चुका है, नितिन गडकरी को कॉल जा चुका है, शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जा चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल है। इस बीच जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या बात हो रही है इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मीटिंग अभी चल रही है लेकिन 11:30 बजे ये सारे ही नेता आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा करते हुए, और ये चर्चा बेहद अहम होगी शपथ ग्रहण से पहले। शपथ ग्रहण से पहले चाय पर चर्चा, तमाम नेताओं को फोन का कॉल्स जा चुके हैं। इसमें इस बार आप कई घटक दल भी देखेंगे एनडीए के, जिनके प्रमुख मौजूद हैं राजधानी में ही, और इस मीटिंग में भी वो जाएंगे। बड़े बड़े चेहरे अलग अलग जगहों के मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर है और कार्यक्रम को देखते हुए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है राजधानी में। किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आपको आसमान में नजर नहीं आएंगे, सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। हालांकि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी दिखाई दे रहा है, कई नेता भी नजर आएंगे। बीते दिन जिस तरीके से
एनडीए की मीटिंग भी हुई थी बीते कुछ दिनों में, उस एनडीए की मीटिंग में भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, मीटिंग में शामिल हुए थे, और अब अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक जारी है और 11:30 बजे चाय पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई नेता नजर आएंगे और जेपी नड्डा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह के घर पर मौजूद हैं जेपी नड्डा और उनसे बातचीत अभी चल रही है। किन किन नेताओं को कॉल जा चुकी है उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तमाम नेताओं के पास फोन जा चुका है और 11:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है, जिसमें चाय पर चर्चा होगी, सुबह की चाय और राजनीति को लेकर चर्चा। बेहद ही है, शपथ ग्रहण से पहले क्या कुछ हलचल है राजधानी में, कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक खूबसूरत नजारा 7:00 बजे का। इससे पहले ऐसी खूबसूरती राष्ट्रपति भवन की शायद ही आपने देखी हो, क्योंकि आज शपथ ग्रहण होना है और इसके मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश का दबदबा इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएगा, जैसा कि पिछले बार भी नजर आया था, इस बार भी प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिला है और इस प्रचंड जीत को भी शानदार तरीके से मनाया गया, जश्न मनाया गया इस जीत पर। और अब बारी है मंत्रिमंडल की और साथ ही शपथ ग्रहण की। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया, चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें सम्मानित किया है, उस वक्त की तस्वीर। और पवन कल्याण भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तिरुपति बालाजी की जो तस्वीर है वो भेंट की गई है। सबसे प्राचीन मंदिर तिरुपति बालाजी दक्षिण में स्थित, और पवन कल्याण के साथ साथ TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें भेंट की। ये उस वक्त की तस्वीर है जब संसदीय दल का नेता चुना गया और नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह तक यहां पर मौजूद रहे। अनामिका जैन अंबर ने इस खास मौके पर एक वीडियो एक्स पर डाला है।